मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ हम ना डिस्टेंसेस को मेजर करने जा रहे हैं, और डिस्टेंसेस को मेजर करने में कुछ डिस्टेंसेस ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे हैं। जैसे एक शीट की थिकनेस निकालनी, एक पेज की थिकनेस निकालनी, एक एटम का रेडियस निकालना बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। आपके पास एटम का रेडियस निकालने के लिए कोई ऐसा मीटर या स्केल नहीं है जो एटम का रेडियस आपको बता दे, कोई मशीन नहीं है। अच्छा, सपोज करो मुझे मून का डिस्टेंस निकालना है, कोई ऐसा मीटर स्केल नहीं है, आप फीता लगाओ और मून का डिस्टेंस निकालो, कैसे निकालोगे यार। स्टार का डिस्टेंस निकालना है, एक स्टार है अल्फा सेंचुरी नाम का स्टार है, उसका डिस्टेंस निकालो, निकाल ही नहीं पाओगे, डायरेक्ट मेथड है ही नहीं। पर फिर भी हमारे पास ऐसे मेथड हैं जिससे हम अंदाजे से उन डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है इन डायरेक्ट मेथड पे डील करता है। तो ये चैप्टर ये बताता है कि हमारे पास कुछ डायरेक्ट मेथड हैं जिससे हम डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं, और कुछ इनडायरेक्ट मेथड हैं जहाँ डायरेक्ट मेथड फेल हैं, वहाँ इनडायरेक्ट मेथड क्या करेंगे, डिस्टेंसेस को मेजर कर देंगे। तो उनमें से जैसे ये कह रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड कैन बी डन बाय यूजिंग मीटर स्केल, मीटर स्केल से डायरेक्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज एक ऐसे इक्विपमेंट्स हैं आप लैब में स्टडी करेंगे अभी प्लस वन में, जो बहुत ही पतली थिकनेस ऑफ शीट को मेजर करके बता देता है, एमएम के अंदर मेजर कर देता है, 3 mm, 4 mm, इतना छोटा डिस्टेंस मेजर कर देता है। तो इसके अंदर डिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम 10^-5 meters, बहुत छोटा डिस्टेंस है 10^-5 meters, टू 10^2 meters कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अबव इंस्ट्रूमेंट, आप मेजर कर सकते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग ऑफ लार्ज डिस्टेंस, अब बहुत बड़े डिस्टेंस के लिए तो मीटर स्केल भी नहीं है, अब कैसे मेजर करेंगे। जैसे आपके पास ये बिल्डिंग है, आप ये बिल्डिंग को मान लो ये 20-mansila बिल्डिंग है, आप कैसे मेजर करेंगे, आप चढ़ेंगे थोड़ा ना बिल्डिंग के ऊपर मेजर करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप ग्राउंड पे खड़े होंगे सी पॉइंट पर, आप बिल्डिंग से अपनी दूरी मेजर करेंगे एक्स, आप एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर लेंगे टॉप से थीटा, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, यहाँ से एच की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो देखो कोई मीटर स्केल नहीं चाहिए, पर हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, वहां से हमने सॉल्व करके क्या निकाल लिया, एच की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो इनडायरेक्ट मेथड है डिस्टेंस को मेजर करने का। जैसे ट्राइंगुलेशन मेथड है, ट्राइंगुलेशन मेथड टू फाइंड हाइट ऑफ एन जो ऑब्जेक्ट है जो कि जहां पर मैं जा नहीं सकता। तो जैसे मान लो ये हाइट है, अब यहां पर मान लो मैं जा ही नहीं सकता, यहां पर नदी है मान लो, यहां पर पानी है, मैं नहीं जा सकता, डिस्टेंस मेजर कर नहीं पाऊंगा, पर ग्राउंड का डिस्टेंस आई कैन मेजर। तो मेरे को ये पता है कि इसकी विड्थ एक्स है, इसकी डी है, तो मैं यहां से एलिवेशन ले लूंगा, मैं यहां से एलिवेशन ले लूंगा टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, आप ये करते आए हैं 10th में। तो यहां पे cot ऑफ थीटा 1 x / h, cot ऑफ थीटा 2 d + x / h, तो इन्हें साइमल्टेनियसली माइनस करके सॉल्व करके h कैन बी कैलकुलेटेड। आप ऐसा करते आए हैं मैथ्स के अंदर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड है जिससे कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैन बी कैलकुलेटेड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह पैरेलेक्स मेथड, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये आ सकता है पैरेलेक्स मेथड।